भैया रोक लेना अच्छा ये बताओ अपाचे ज्यादा बढ़िया ही है इसका पिकअप बहुत आई है अपाचे 200 फोर वी क्या फील है बढ़िया बढ़िया भाग रही है तुरंत ठीक है एक गियर और बढ़ जाता है तो अच्छा जीरो वाइब्रेशन फील हो रही है मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि सो हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो भाई बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। जो लोग ये बाइक लेना चाहते हैं ये है भाई TVS की रॉनिन, और अगर किसी का भाई मन बन रहा है ना तो ये वीडियो देख करके उसके सारे डाउट दूर हो जाएंगे कि उसे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो भाई की बात कहती है तो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप मतलब पहले तो आप ये रिएक्शन देख सकते हैं भाई, जो भी निकल रहा है वो देखते हुए निकल रहा है। हो सकता है भाई का हेलमेट वगैरह हो इस चक्कर में निकल रहा हो, बट देख रहा है मतलब इसे जो है ना रोड प्रेजेंस की बहुत अच्छी है इस बाइक की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम इसका एकदम जो जितने यहाँ पर बंदे हैं तो उन सबको चलवा के देखेंगे और उनसे मतलब जो है वो रिव्यू लेंगे कि कैसी चलती है भाई। आप देख रहे हो ना जो भी निकल रहा है वो देखता हुआ जरूर निकलता है कि चलने में कैसी है ये कैसी नहीं है क्या इसका रिस्पांस है। और सबसे पहले अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये 2,03,000 रुपये ही पड़ती है ऑन रोड। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवाता हूँ। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल करने से और गाड़ी थी के बाद एक बार रैप करो इसे रैप करो फोटो ले रहा हूँ। तो भाई अभी आपने इसकी आवाज़ सुन ली और जो माइलेज है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अभी फिलहाल हम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कैसी लगी? पिकअप बहुत बिगड़ है। अच्छा ये बताओ अपाचे ज़्यादा बढ़िया ही है? इसका पिकअप बहुत आई है, अपाचे से ही बढ़िया है, अपाचे से बढ़िया है एकदम भाग रही है। और जबकि ये स्पोर्ट्स थोड़ी ना, ये तो वो वाली है क्रूजर है, फिर भी बढ़िया भाग रही है। सब चला लेंगे। तुम पहले एक मिनट पहले कौन सी चला रहे थे? इससे पहले कौन सी बाइक चलाते थे? अपाचे 200 200 फोर वी। हाँ अब इसको बताने कैसे करते हैं। एकदम भाग रही है एकदम है, जैसे होता नहीं है फुल थ्रॉटल जब देते होते हल्के से एक लैग मार दी है, ये एकदम भाग रही है। लैग नहीं, ये तुला नहीं है। लेके आओ आगे से लाओ। डर रहे हैं भाग रही है तुरंत, कोई लैग कोई कुछ ना, नहीं जरा गाड़ी एक बीच में लैग मार, कोई तो कमी कुछ तो नहीं है, कोई कमी कुछ ऐसा लगाओ कि 225 सीसी के हिसाब से ठीक है। एक गियर और बढ़ जाता है तो अच्छा होता। ये कितने गियर है इसमें? पांच है। बाकी भागने में बढ़िया है। आप भैया कौन सी चला रहे थे पहले? अपाचे। कौन सी? 160 चलो बताने कैसी चल। इधर से लेके जाते दूसरे गेट से नहीं, ये यू आर ऑन ना, दोबारा वीडियो पूरा आएंगे। अरे चलाने का तभी तो पता चलता, अब इसमें क्या हुआ भागी भी नहीं। ये तो बड़े आराम से चला रहे हैं। कैसी चल रही है? लेना चाहोगे अपाचे के बाद इसे? नहीं, उसका डिसीजन तो बाद में, पेमेंट करना है अभी। फिर भी अपाचे से ऊपर है नीचे? अपाचे से तो ऊपर ही है ऑब्वियसली। तो सही है बाबा, ये हमारे बहुत पुराने राइडर हैं, देख रहे हैं कैसी बाबा। आदम जमाने के नहीं है तो 20-25 भैया रहम खा लेना थोड़ा गाड़ी पे। करना चाहते तो मोबाइल लगा के बोलो, तो लॉक चल रहा है वो गाड़ी वाली कोई सेंस सब सेंस लगता है और यहां लेके डब करके डाल देंगे जल्दी वहाँ से। हटो सही है, जबरदस्त अपाचे से जबरदार, खबरदार जबरदस्त यार अपाचे। वर्ड नहीं बोलने के लिए अपाचे भी तो टीवीएस की है तो ये ना सब बच्चे एक से नहीं होते, इनकी ताकत का बड़ा अनुमान लगाना मुश्किल था लेकिन इनकी ताकत है, जानदार है ये जी, बिल्कुल लेने लायक है। तो भाई देख रहा हूँ ये रहा इसका रिव्यू, कंफर्ट बहुत है, स्टेबल बहुत है और बाकी हैंडलिंग का जो वाइब्रेशन की वजह से जो दिक्कत तकलीफ आती है कुछ
अच्छा जैसे अपाचे में थोड़ा वाइब्रेशन है हाई स्पीड पे, वो इसमें नहीं है। इंजन पावर भी है, थोड़ा अप भी है, इंजन रिफाइंड है, इंजन मेटल का भी फर्क पड़ता है। मतलब बहुत काम किया है इस पे टीवीएस ने, बढ़िया थोड़ा चल नहीं चलेगी, टाइम आएगा जब ये पुरानी हो जाएगी, थोड़ा सा खरीदने का मॉड्यूल चेंज किया है जब ये थोड़ी पुरानी होगी, जब ये थोड़ा सा लोग इसकी मार्केट में आने तब ये अपाची इजी टू बाय है लोगों के लिए। वो हैवी तो कितने साल से हो गई, कम से कम 10-12 साल से आई थी, तो उस समय उसका क्रेज अलग था। ना चलो ये भैया रोक लेना लेना चाहोगे अपाचे के ऊपर? सही, वैसे पैसों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 40-45 हजार का है। सही एक बंदा कोई भी सबसे पीछे इंस्टा 360 डिग्री लेके खड़ा होके, अरे देख लो एक बार दांत दिखाओ कैसे कैसे स्पीड पे। गाइस मैं आपको दांत दिखाता हुआ, गंदे गंदे दांत देख लीजिए। अरे गंदे हीरो लगा, धूला लग रहा हूं। अरे धूले तो तुम हो ही यार, दुल्हन लाऊंगा शहर ही नहीं। अरे मैं जा रहा हूं दुल्हन लाने, अभी रुको अभी लेके आ दूं अरे रुको तो पहले ये बताओ कौन सी चला रहे थे पहले? मैं पहले चला रहा था RTR 4V 160 भी चलाई है, और उससे पहले कौन सी थी बैकअप कौन सी है? उससे पहले मैं चलाता था ड्यूक 250, और उससे भी पहले मैं ओन करता था पल्सर 150। भाई देख लो इन सब का रिव्यू आपको मिल जाएगा कि उनके कंपैरिजन में ये गाड़ी कैसी है। सही है, चलो भाई चलो इधर से जाना, इधर से आना रोड से थोड़ा भगा के देख लेना। घर वालों का भी रिकॉर्ड, मौके का फायदा उठाना चाहिए। गरम लोहे पे भाई इधर सेंट्री मारेगा सीढ़ियों से, वहां से लो भगा दो खुदा दो। अरे किसका फोटो ले रहे हो दीपक भैया, ये खंबे का क्या करोगे? ये बताओ 4V से कैसी है? बढ़िया है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत रिफाइन चल रही है, बहुत रिफाइन। ये कहो ना एक तरीके से जीरो वाइब्रेशन फील हो रही है मेरे को, कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा। और सीट हाइट तो इसकी बहुत ही कम है, नहीं बहुत सही है, बहुत सही है। एक अगर कोई गर्ल या अगर कोई लड़की भी चलानी चाहेगी ना, वो भी आराम से राइड कर सकती है बिना किसी दिक्कत के। मुझे तो भाई बहुत पसंद आई पर्सनली, और 225 सीसी के हिसाब से पावर इनफ है, अच्छी है। एक तो ये स्क्रैम्बलर टाइप में आती है, तो इससे टॉप स्पीड एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा। 130 मेरे हिसाब से जहाँ चाहिए, अगर उससे ज़्यादा जाती है तो बेटर है, बहुत अच्छी बात है। बस जो इसमें एक चीज़ की मुझे थोड़ी सी कमी लगी, वो थी सिक्स्थ गियर इसमें देना चाहिए था, इस चीज़ का अपग्रेड थोड़ा सा। उससे फ़ायदा ये होता है ना भाई, RPM कम हो जाते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, और माइलेज पे भी फर्क पड़ता है, हाँ माइलेज पे भी बहुत असर पड़ता है गियरों की वजह से। बहुत से लोग कहते हैं भाई गियर से क्या होता है, नहीं सर सही चल रही है, सही बताओ तो भाई, बढ़िया लगी नहीं लगी अगर कंपेयर करें दोनों गाड़ियों? अरे तो इधर बताओ भाई, हेलो कैसी लगी रॉनिन, कैसी लगी आपको 160 से? बढ़िया 35-40 हजार रुपए है वैल्यू, वर्थ मनी, वर्थ है, वर्थ है।